हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। तो भाई सुबह सुबह 10 बज रखे हैं और भाई निकल रहा हूँ एसएफयू से डाइनिंग हॉल से। भाई साहब बर्फ बर्फ बर्फ, लेट मी शो यू प्रॉपर्टी। देख लो भाई कितना सुंदर है भाई कनाडा, कितना ज़्यादा सुंदर है भाई, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है, और बर्फ दिखाऊँ आप लोगों को गाइज, इतनी है यहाँ तक इतनी बर्फ हो रखी है। ठीक है, और इतनी सुंदर बर्फ है, ये देखो क्या बात है। पर भाई जब ये अब देखो यहाँ पे देखो ये जम चुकी है और वे ब्लैक आइस बन जाते हैं तब बहुत गंदी लगती है, बाकी अभी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो चलो चलते हैं घर पे। आज हम आपको बताएंगे भाई रियल जो हार्डवर्क होता है, रियल जो स्ट्रगल होता है भाई, गाड़ियों का भी हार्डवर्क हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई बसेस इसमें इतनी ज़्यादा स्नो रखी है, सो चल रही है पर बहुत कम और बड़ी मुश्किल से चल रही है, अगर चल भी रही है तो अभी हमने पूछा है, हम अब निकल रहे हैं। हमारी शिफ्ट तो जल्दी ख़त्म हो जाती है 7 बजे, बट हम अब निकल रहे हैं क्योंकि बसेस चल ही रही थी। अब हमने सुना बसेस चल रही है पर एक से डेढ़ घंटे के गैप में चल रही है, तो भाई डेढ़ घंटा खड़ा होना पड़ेगा मे बी, बट हम तो इसी उम्मीद से जा रहे कि हमें मिल जानी चाहिए बस। सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं बाकी आप लोगों के सामने होगा। ये देख लो कितनी ज़्यादा सुनो पड़े, पता है सीट्स देख लो, सीटें बिल्कुल ढक चुकी है। ठीक है, और भाई बहुत सुंदर लग रहा है हालांकि, बट स्टिल ये चीज़ देखो भाई, ये स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स पर ढक दी, स्टेयर्स बिल्कुल ढके, प्लेन जो झूला नहीं होता वैसे ही दिख रही है, और रास्ता ही बंद कर दिया इन्होंने। और भाई ये जो येलो है ये डस्टबिन है भाई स्नो का, अरे आप देख लो ना हमारे पैर ही अंदर घुस जाते इतनी ज़्यादा स्नो है। सो ये जो डस्टबिन है ये पूरा भर के और भाई ऊपर भी इसके जम चुकी है, बाकी अब देखते हैं आगे जाके कैसे कैसे नज़ारे मिलेंगे हमको, देखने को मिलेंगे हम, बाकी हम घिसड़ ही रहे भाई। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा गिरी है सुनो भाई। ये हमारे एसएफयू का मेन है सिस्टम, वो सामने भाई फील्ड है टेरीफॉक्स फील्ड रनिंग के लिए, और वो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपको बताओ भी कैसे वो फील्ड है। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्नो रखी है और भाई एक गाड़ी भी खड़ी है स्नो वाली, और सामने पूल है बट उसका भी आपको कुछ नहीं दिखता होगा, बाकी ये पेड़ है भाई जिन पे मस्त मस्त स्नो रखी है, और अभी सनराइज़ हो रहा है भाई, धीरे धीरे सनराइज़ होगा। बाकी ये देख लो, दिस इज़ आर साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी बर्नबी कैनेडा। तो भाई आगे बस स्टॉप है यहाँ पे सामने, तो अब इंतज़ार करते हैं अपनी बस का और फिर देखते हैं, आप लोगों को बताऊंगा मैं कितनी देर में आती है। बाकी भाई हद से ज़्यादा स्नो रखी है, यहाँ से आदमी चढ़ भी नहीं सकता इन सीढ़ियों पे, ऐसा हाल हो रखा है, आप खुद देख सकते हो इन चीज़ों का, बट कोई नहीं चलते हैं, लेट्स गो गाइस। बाकी कैंपस अगर आपने नहीं देखा मेरे कॉलेज मेरे यूनिवर्सिटी का, तो भाई देख लो यार, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। चलो चलते हैं गाइस। एक काम तो अपना हो गया, सामने देखो 145 हमें मिल चुकी है, पर गाइस ये देखो हमें उधर जाना है, और ये भाई 11 मिनट में नॉन स्टॉपिंग और 16 मिनट में आएगी, और देखो आएगी भी तो कैसी आएगी। तो प्रोडक्शन में यूनिवर्सिटी भाई आज तो इतने सुंदर लग रही है ना, बट अब हमें रिग्रेट हो रहा है भाई, कैसा लग रहा है तेरे को? अगली बार आएगा बर्फ में भाई शिफ्ट लगा रहे भाई साहब, और भाई अभी भी यहाँ पे नीचे यार कुछ भी नहीं था, पता नहीं यहाँ पे ठंड क्यों लग रही है हमें, हम सोच कर लिया भाई साहब। पर देखो नज़ारे बहुत सुंदर है, आपको दिख ही रहा होगा, और बाकी ये सिर्फ ये वाली वीडियो 14 प्रो मैक्स से बना रहा हूँ मैं, पर ऐसे मेरा मन कर गया बीच में डाल देता हूँ, और फिर आप लोग बताना कुछ डिफरेंस आ रहा है 13 में और फिर 14 प्रो मैक्स में। ठीक है, सो करते हैं इस वीडियो को बंद, और गाइस ज़रूर बताना क्या डिफरेंस लगा आपको। क्या हो गया अभी मेरे साथ, यहाँ तक स्नो थी, मैंने बस से देखो ये वो बस जा रही है, मैंने बस से पैर रखा और मेरा पैर इतनी अंदर गया, ये अंदर गई सारी की सारी स्नो गई। ये तो भाई सच्ची में शिट हो गया आज तो, शिट भाई देखो कितनी ज़्यादा स्नो है, कितनी ज़्यादा स्नो रखी है भाई,
बहुत ही बुरा हाल हो रखा है भाई। घर तो पहुंच गया मैं, पर भाई दोपहर के 12 बज रखे हैं और भाई मेरे भी 12 बजा दिए स्नो ने, ठीक है, और बाकी गाड़ियों के भी बज ही रहे हैं, पर भाई यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही स्नो रखी है गाइस, हद से ज़्यादा। उधर लोहिड बर्नबी में भी इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पे हो रखी है, मेरे प्रोडक्शन में भी नहीं थी, पर भाई चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ही अब तो निकालते हैं भाई, दिखाते हैं आपको बर्फ। ये देखो बर्फ की बर्फ है, गिर रही है, यहाँ स्ट्रगल हो रहा है। स्नो 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 स्नो, इतनी ज्यादा डीप स्नो रखी है यहाँ पे कि बस क्या बताऊं। ये देख लो, एक सेकंड भाई, घर आ चुका है अपना, और भाई टेस्ला अपनी देख लो क्या हाल हो चुका टेस्ला का, भाई मर्सिडीज भी, बस लोग आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्नो रखी है। फिर अपना भाई फोर्ड वाला ट्रक जो रोड पे ही खड़ा कर दिया है ड्यू टू हैवी हैवी स्नो, और बाकी गाड़ियाँ देख लो सारी की सारी भर चुकी है, एंड हाल देख लो इतनी ऊपर तक स्नो है, घर के आगे भी इतनी ज़्यादा स्नो है, बट कोई बात नहीं, घर पहुंच चुका हूँ बड़ी मशक्क़त से, और चलते और फिर बाद में बात करते हैं आपसे, ऐसे स्नो को क्रॉस करते करते पहुंच रहा हूँ भाई। स्नो देख लो भाई, जूते में भी, जूते के अंदर भी स्नो 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 स्नो। हाँ जी गाइस, पहुंच चुके हैं घर पे, ठीक है, ऊपर वाली जैकेट उतार ली, नीचे हुडी पहन रखी थी मैंने, तो भाई अब ये सारी मैं 14 प्रो मैक्स में बना रहा हूँ, ठीक है, जो उस टाइम में जो आपको बोला था ना मैंने कि भाई यहाँ से मैंने 14 प्रो मैक्स में वीडियो बनाऊँ, उसके बाद सारी मैंने इसी से बनाई है, तो आपको पहले और आखिरी में कुछ डिफरेंस लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और अपना जो 13 है भाई, ये थोड़ा सा लगता था 14 है, सारे बराबर है 13-14, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये अभी मैंने थोड़ी देर साइड में रख दिया क्योंकि अब 3-4 दिन के पास के लिए अपने पास यही 14 प्रो मैक्स है, तो थोड़ा सा इसको यूज़ करके देखते हैं क्या कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा, क्योंकि उसके बाद भाई ये ले या भाई के लिए था, और आपको पता है भाई मैंने आपको कल बताया भी था कि इसका 3 दिन तक मेरे को अपनी सिम रखनी पड़ेगी इसमें, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1st 3 डेज, ठीक है, उसके बाद भाई को दे देंगे, ठीक है। सो आज का एक्सपीरियंस सुनो यार, आपने हालत तो देख ही ली होगी भाई, बहुत बुरा हाल था स्नो का। देखो स्नो भाई दिखने में सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है, चलने में बहुत सुंदर है, लेकिन जब सच्ची में चलना होता है ना भाई, जब इट इज़ लाइक रियली स्ट्रगल, रियली हार्ड वर्किंग, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है, और भाई जब वो धीरे धीरे जब अंदर जाती है गिली 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 गिली, फिर भाई जो ठंड लगती है और वो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट है इसका, नहीं तो भाई बहुत सुंदर है। और बाकी कनाडा की सुंदरता आज आपने बहुत अच्छे से देख ली, बहुत अच्छे से देख ली अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, तो भाई कनाडा इज़ वेरी वेरी सुंदर, और ख़ासकर वैंकूवर भाई बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है, सच्ची में लिख यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कनाडा वैंकूवर खुद कह रहा है कि हम बेस्ट प्लेस है पूरे अर्थ में, सो यस। और आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही, ठीक है, और बाकी देखते हैं कल भाई। और हाँ एक बात और बतानी है आप लोगों को, आज अपना आखिरी दिन था भाई इस वाले SFU का डाइनिंग हॉल वाला, तो अब भाई ये 20 दिन के लिए हो रहा है बंद, ठीक है, सो अब भाई 20 दिन बाद दोबारा से काम शुरू करेंगे, इतने अभी थोड़ा रेस्ट मोड पे हैं। और जो एयरपोर्ट वाली जॉब थी उसका थोड़ा अपडेट दे दूं मैं, उसकी भाई आज मेरे पास मैसेज आया, लेट मी शो यू, आपको दिखाई देता हूँ गाइस, ये देख लो मैसेज दिखा देता हूँ SSP America, सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू पोस्टपोन द ओरिएंटेशन टेम्पररली ड्यू टू वेदर, आई लेट यू नो एज सून एज आई हैव अ न्यू डेट, ठीक है, सो भाई ये चेंज कर दिया। बाकी इससे पहले अगर आपको दिखाऊं तो ये था भाई December 21 वेंसडे, और आज है भाई December 20 ट्यूसडे, सो एक कल ही था मेरा, बट हाँ अब कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है आप लोगों ने देख ही लिया, तो वेदर के चक्कर के ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं अपने, ठीक है, और एक डिसएडवांटेज और आपके सामने ही है, तो कल से अपनी जॉब शुरू होनी थी बट हाँ इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, लेट्स सी कब से क्या होती है, बट हाँ चलो एक दिन मिल रहा है ढंग का फ्री में, फ्री में तो कुछ नहीं मिल रहा है यार, बल्कि माइनस हो रहा है, ठीक है, सो बट कोई बात नहीं, मे भी शायद कल या परसों करते होंगे, जो भी जब भी करते हैं थोड़ी सी स्नो कम हो जाए, और बाहर का भाई आपको वेदर भी दिखाई देता, अब इतना ज़्यादा मैं स्नो के बारे में बता ही रहा हूँ, तो वेदर इज देख लो गाइस, आप खुद ही देख लो।
अपना वेदर है भाई, -9 डिग्री, हाईएस्ट और लोएस्ट देख लो, आपको इसी में समझ में आ जाए कितनी ज़्यादा ठंड है। हाईएस्ट है भाई -8 और लोएस्ट है -10, ठीक है। सो बस अब खुशियाँ मना लो, -10 और -8 के बीच में टेम्परेचर रहेगा और लगातार इतना ही रहेगा, ठीक है। बाकी गाइस स्नो 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 ही हो रही है हर जगह, लेट्स सी कब ख़त्म होती है। अब देखो इसमें कैसे पता चलता है, मैं देखो फ्राइडे को 90% चांसेस है, तो 101% होगी, और ये सैटरडे संडे को बारिश दिखा रहा है, पर सैटरडे संडे को दोबारा से सुनो, तो इस पूरे वीक ना लगातार बारिश और स्नो ही होने वाली है। आज इसमें दिखा रहा नहीं हो रही, पर आज भी हो रही है तो, बट हाँ कल का दिन ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि भाई हमें सूरज दिखेगा, बाकी दिन तो सूरज भी नहीं दिख रहा है, बट लेट्स सी कुछ होता है या नहीं, क्योंकि भाई टेम्परेचर कल भी कुछ ज़्यादा ही जा रहा माइनस में, और ये वहाँ पे भाई -14, वाओ कमाल हो गया। बाकी नो हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो रहा है, चलो 4 डिग्री 3 डिग्री तक आ गया, पर भाई अभी थर्सडे और वेंसडे का तो बहुत ही बुरा हाल है, -13 और -14, बाकी देखते हैं ओके सामने ही होगा जो भी होगा, लेट्स सी कैसा जाता हमारा दिन सारी चीज़ें, ठीक है। सो भाई कर देते इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, एंड गाइस ज़रूर बताना भाई क्या डिफरेंस लगा, मैं भी थोड़ा सा देखूंगा इस वीडियो को दोबारा से देखूंगा कि मेरे को भी कुछ लगा या नहीं, आप लोग भी ज़रूर बताना, ठीक है। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।